राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही एक शानदार घर है। तो इस घर का ये फ्रंट फेस है, देख सकते हैं एंट्री पॉइंट, और ये रास्ता देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ग्रिल लगाई जा रही है, रेलिंग। तो सामने की तरफ को आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग टाटा ड्यूरेशन कंपनी की सीट इंस्टॉल करेंगे। तो इसको लगाने का एक ही कारण था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैब था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे लीकेज और सीलन की समस्या आ गई थी। तो इस वजह से इस घर के सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे एक फैब्रिकेशन वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं आप सामने की तरफ को। तो यह एरिया जो है वो 48 फीट लेंथ है इसकी, और 32 फीट इसकी ब्रिथ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल 30 सीट जो है वो 12 फीट की इंस्टॉल की जा रही हैं, 30 सीटें, और 15 सीट 8 फीट की लगेंगी, और 7 सीटें जो हैं वो 10 फीट की लगेंगी। तो टोटल कॉस्ट आएगी इस सेट की इंक्लूडिंग लेबर 2,80,000 रुपये के करीब। तो क्योंकि यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो बेस्ट कंपनी का मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी हमारे साथ अपने सवालों को साझा कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो हमारी जो नींव बाल सेक्शन होती है उसी के ऊपर हम लोगों ने ये कॉलम भी दिए हैं, ऊपर की तरफ को आप देख सकते हैं। तो जो लोड होगा इसका, वेट होगा, वो डिवाइड हो जाएगा चारों तरफ को, एक जगह पे वेट नहीं आएगा। और ये हमारी जो रूफ़ होती है ये लाइट वेट रूफ़ होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर ज़्यादा लगाया गया है तो वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लाइट वेट वर्क होता है। आपकी स्लैब के मुकाबले बहुत कम वज़न होता है इसका। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हों तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर प्राइस के बारे में आप जानना चाहते हैं क्या रेट है सीट का, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो दोस्तों फैब्रिकेशन वर्क से संबंधित कोई भी सवाल हो आपका तो आप शेयर कर सकते हैं।